हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज अर्ली मॉर्निंग मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, नहा भी लिया है। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दीदी भाई को आज डॉक्टर के पास जाना है, इसीलिए सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ। और तो मतलब रेडी हो गई हूँ, मतलब मैं यहीं लास्ट टाइम जो वैक्सीन लेने गई थी दीदी भाई को, मोड़ पर मैं छोड़ने गई थी ना, बस दीदी भाई को वापस पकड़ के वहाँ तक छोड़ के आऊँगी। उसके बाद आके आज मुझे पूजा करना है और उसके बाद जाके मैं फ्री होंगी। सो आई एम लिटिल बिट पैक्ड अप टुडे, तो यही है। और दीदी भाई अभी गई है नहाने, वो 8 बजे तक निकल जाएगी और अभी बज रहे 7:25। और जेठू भी रेडी हो गए हैं, क्योंकि और भी दो जन मतलब मेरी जिनके घर पे मैं पिकनिक गई थी, वो मेरी और एक दीदी भाई मतलब मामा दादू जो है उनकी मिसेस रूपा दीदी भाई, वो भी जाएंगी वही सेम डॉक्टर को दिखाने। और उनके एक नेबर है वो भी साथ में जा रहे हैं। एंड अपार्ट हैप्पी किस डे टू ऑल ऑफ यू। और आज वैलेंटाइन का 13th February किस डे, तो आज जैसे कल मुझे मम्मी की याद आ रही थी, आज भी मुझे मम्मी की याद आ रही है। मम्मी से पास में होती तो मैं सबसे पहले मम्मी को ही किस डे विश करती, ऐसे पकड़ के किस करके विश करती, तो आज तो है नहीं वो, तो दूर से आई लव यू माँ, हैप्पी किस डे। और यहाँ पे जेठू दीदी भाई को तो मैं यहीं पे पकड़ के किस कर लूँगी और हैप्पी विश भी कर दूँगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं जेठू। वो देखिए, पता नहीं अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा, अंदर है जेठू, वो रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। अब बस दीदी भाई आएगी, साड़ी पहनेगी और निकलेगी। चलिए चलते हैं रेडी जाने के लिए। ऐजे रेडी, मास्क ले रही है, जा रही हूँ दीदी भाई को वहाँ चौक तक छोड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग बोलो दीदी भाई। गुड मॉर्निंग, आज सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक हो गया मेरा और दीदी भाई का। दीदी भाई जेठू को वहाँ चौक में छोड़ के आ गई हूँ और अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ तो भूख लग रहा है, लेकिन मुझे पूजा करना है तो मैं खाऊंगी तो नहीं, तो सोचा थोड़ा सा हॉर्लिक्स पी लूँ, तभी मैं थोड़ा सा हॉर्लिक्स बना के पीऊँगी, फिर मैं पूजा करूँगी। उसके बाद वेट करना है मुझे, जेठू ने कहा है कि रेडी होकर रहना, क्योंकि फिर आज जेठू वहाँ से आएंगे, फिर मुझे लेके जाएंगे, फिर वो लैपटॉप कल जो हमने सर्विसिंग सेंटर में दिया था वो फिर लेके आना है, तो मैं हॉर्लिक्स बना के पी लेती हूँ। दीदी भाई भगवान को वो सोए थे ना, नाड़ू गोपाल जो है वो बिस्तर सब उठा के उनको बिठा दिए, अभी मुझे बस पूजा कर लेना है। आगे प्रदीप टा जलो, निबी दाब हाथे टा देखो, हाँ शारदा माँ के देवे लाल जबा। पूजा डन हो गया है, पूजा भोग लगा दिया है भगवान को, अब मैं अपना भोग लगाऊंगी, मतलब अब मैं खाऊंगी, भूख लग गई है, देखती हूँ क्या खाऊंगी। सोच रही थी मैगी खाऊं या
मुही बेगुनी खाओ। देखते जो मन होगा वो खाऊंगी, देखती हूँ बना लेती हूँ। मौसी तो वो अपना काम कर रही है, वो देखिए वो मॉपिंग कर रही है। दीदी भाई आ गई हॉस्पिटल से, ये देखिए दीदी भाई आके थोड़ा लेट गई है क्योंकि वहाँ पे स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है डॉक्टर के चैम्बर में, तो आ गई है। थोड़ा मूड ऑफ है, पता नहीं डॉक्टर ने क्या बोल दिया, प्रेशर का दवाई डोसेज जो है वो थोड़ा बढ़ा दिया, और जेटू इधर प्रेशर का ही मेडिसिन खा रहे नाश्ते के बाद। और जैसे मैंने बताया था अभी मैं जेटू के साथ जा रही हूँ लैपटॉप लाने, फिर आज संडे है तो आज चिकन भी लेके आऊँगी साथ में, आज चिकन होगा। और दीदी भाई की बोल दो डॉक्टर है की बोल दो डॉक्टर ओ डॉक्टर की बोलने की सुनो। दीदी भाई का सिर्फ चिंता, सिर्फ चिंता, चिंता कर करके प्रेशर बढ़ा दी, अपना डोसेज भी बढ़ा ली। चलिए चलते हैं, फिर वहाँ पे शायद थोड़ा पीसी मुनि के घर पे भी जाऊँगी, वहाँ से फिर आना है। फिर मुझे लैपटॉप का मेरा एक की जो है ये खुल गया था, ये वाला, ये देखिए 2 का जो बटन है ये खुल गया था 1 साल पहले, तो उसके बाद और वो लगा नहीं, तो आज ये भी मैं कल मैं भूल गई थी, ये आज मैं लेके जाऊंगी। और आज टॉप ले लिया है, वहाँ पे 1 घंटा जैसे थे, पिशमोनी के घर पे भी 40-45 मिनट्स अराउंड थे। ये रहा लैपटॉप झोले में, क्योंकि लैपटॉप बैग में बहुत सारा सामान है तो वो खाली करना पॉसिबल नहीं था। वो देखिए चिकन का शॉप है, जेटू वहाँ से अभी चिकन ले रहे हैं, और वो है ना ले बा, अच्छा यहाँ नहीं लेंगे, दूसरे जगह से लेंगे। चलिए ये फ्रेंड्स घर आ गए हैं, और ये चिकन बनाने का पूरा प्रिपरेशन, चिकन और ये ऑनियन टमाटर, ये दही लेके आई हूँ। आज थोड़ा अलग स्टाइल में बनाऊंगी, पहले ही सारे मसाले मैं चिकन के साथ मैरिनेट करके 15-20 मिनट रख दूंगी। उसके बाद ये मौसी ने आलू फ्राई करके रखे हैं, और ये ऑयल में वो फ़ौरन दे के मैं चिकन को डाल दूंगी। इमामी वीडियो, तो इसमें चिकन में दही, अदरक लहसुन और कच्चा प्याज, मौसी को मैंने काट के रखने बोला था, ये भी ऐड करेंगे। कांचा सोर से तेल दे रहे ये टमाटर, तो कांचा सोर से तेल का ये मेरा मैजिकल मसालों का पुटली, मैजिकल नहीं है, मैंने ये बना के रखा है, इसमें जितने मेरे फेवरेट मसाले इसमें ये थे मसाले थे। देखो और कसले दो, अरे एक तो दो, हाँ कसले दो, बस 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 इतना ही दे दे कसूरी मेथी, थोड़ा फ्लेवर अच्छा आएगा। एक घंटे क्या देखो, ये थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा ही कलर के लिए, दो बस, ये थोड़ा सा गरम मसाला, आगे क्या डालूंगी क्या, बस एकटा काचा लौंग का चीरे दी दो। नमक ऐड कर दिया है, इसमें भी थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, और जब कुकिंग करेंगे उस टाइम पे भी मिलाएंगे नमक, अभी मैंने थोड़ा सा ही दिया है ये मैरिनेट करने के लिए। है हलूद
मैरिनेशन हो गया। अभी यहाँ पे मीटिंग बैठा है, देखिए आज दिन भर से अभी हम लोग सब एक जगह पे हुए बैठे। इससे पहले दिन भर सब बिजी, जेठू अलग से बिजी, दीदी भाई बिजी, मौसी भी बिजी और मैं भी बिजी। आज सब बिजी थे। ऐसा होता था कि तीनों बिजी होते थे लेकिन मैं फ्री रहती थी, लेकिन आज मैं भी बिजी थी। जेठू मोबाइल कर रहे और दीदी भाई नींबू खा रही है। पिसी मोनी बोले थे हालो को खाओ, बिना लगा दिए दीदी दीदी भाई के बोले थे वही करबो दाड़ाओ। दीदी भाई खांस रही है, दीदी भाई को खांसी हो रहा है। कल मैंने उनको वो मेरा वाला मुझे जब सर्दी खांसी हुआ था वो सिरप थोड़ा सा दिया था, दीदी भाई को बोला मैंने रात को भी पी के सोना, लेकिन वो सोई नहीं, भूल गई। बोल रही यार उसके तो भालो लगछे ना। चिकन मैरिनेशन आधा घंटा रख दिया था, ऊपर से मैंने क्यूमिन और कोरिएंडर पाउडर ऐड किया क्योंकि पीसने भूल गए थे। और अभी और थोड़ा सा चिकन मसाला भी ऐड किया इसको, और एक बार अच्छे से हाथ से मिला के मैं कढ़ाई में दे दूंगी। और कढ़ाई में मैंने फ़ोरन में ये जीरा और तेजपत्ता दिया हुआ है। ये थोड़ा सा जो इसमें लगा हुआ है ये थोड़ा सा रखेंगे, आलू जो पहले फ्राई करके रखे हुए थे इसमें थोड़ा सा आलू को भी मैरिनेट करके हम लोग आलू बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि जो चंद्रमुखी आलू है अभी से देने से वो पूरा गल जाएगा। वैसे आज मैं फर्स्ट टाइम चिकन बना रही हूँ खुद, पूरा मैरिनेट करके, मतलब ये कढ़ाई में कच्चा चिकन पूरा मैं फर्स्ट टाइम ये कर रही हूँ। इससे पहले चिकन का जो स्टार्टर आइटम मैं बनाते रहती हूँ, लेकिन चिकन जो मेन कोर्स का जो ये खाना बनता है, चिकन का कोई भी रेसिपी काइजिन हो, ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। किस डे स्पेशल चिकन को, मेरे चिकन को आज लोग किस कर करके खाएंगे, देखते कैसा बनाती हूँ। ये आलू जो पहले रखे थे फ्राई करके इसको इसमें डाल देंगे, ये भी कुछ देर मैरिनेट हो जाएगा इसके साथ मसालों के साथ। ये आलू जो है बिल्कुल हमारा चिकन 80% कुक हो गया होगा तब हम लोग आलू इसमें ऐड कर देंगे। जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा स्वाद के लिए, नमक बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा इसमें चीनी ऐड करेंगे। हम लोग बंगाली लोग थोड़ा खाने में हम लोग थोड़ा चीनी ऐड करते हैं। चिकन जो है ये पानी छोड़ रहा है कि, और हम कुछ देर पकाएंगे उसके बाद हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं हमेशा गर्म पानी प्रिफर करती हूँ, इसीलिए ये साइड में मैं थोड़ा गर्म पानी चढ़ा दूँगी। जो हमने टमाटर साइड करके रखे थे ये हम थोड़ा सा और उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी दही है, ज़्यादा टमाटर नहीं ऐड करूँगी, खट्टा हो सकता है फिर जेठू खाएंगे नहीं। अब मैं थोड़ा सा गर्म पानी बिठा दूंगी। मौसी थोड़ा सा आके स्टार कर दे रही है चिकन को, नहाने गई थी मौसी अभी आई, मैंने बोला मौसी को थोड़ा सा देख लीजिए ठीक ठाक बना रही हूँ कि नहीं, पहली बार बना रही हूँ तो थोड़ा गाइडेंस का जरूरत पड़ता है। ठीक हो चुका मौसी? ठीक है, दारुण है।
দেখিয়ে মাসি বল রে এ দারুন হয়েছে বলো দারুন হয়েছে দারুন হচ্ছে দেখি খুব সুন্দর হচ্ছে দেখা যাক দেখতে তো ভালো লাগছে খেতে কেমন হবে জানি না নুন দিয়েছ নাকি একটু নুন দিলাম আমি আবার আর একটু দাও দে আর নুন আছে না আচ্ছা দিয়ে দাও তাহলে একটু জলটা ফুটে গেছে ফুটুক ডকবক করে না ফুলো বন্ধ করে আচ্ছা বাবা आलू रखे थे ये मसालों में ये हम डाल देंगे गोले जाएगा ना तो ना तुम दी दो सब तो दी दो मसाला पतला सब दी दो ढेर दो वो तो दी दो वो तो जल बंद कर दी दस मिनट ये तेल ढेर दो डाला अच्छा पानी जो गरम करके रखा था उसमें ऐड कर देंगे दाड़ाओ कतरा देवे दाड़ाओ बेसी देवो ना नमो 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 नमी ढालो नमी ढालो एखने रखो आबार लागबे जा मौसी निकाल रही है अभी ये तो कल के तुम्हार है कल के अच्छा आलू रखो आ ना ना एक टाइ आलू रखो ये तो की पीस चिलो हार हाँ अच्छा ये तो तुम्हार कल के है क्या ना हाँ एक बार देखिए जे राइस ये साग भाजा बांदा कोपे तोड़करी आलू पिया आलू पोस्ट और ये चिकन और ये जेठू का भी वही है सेम खा लेते हैं आज मैंने पहली बार चिकन बनाया देख के तो अच्छा ही लग रहा है देखती हूँ खा के कैसा बना है चिकन खा लेकिन जेठू बोले नहीं कि कैसा बना बोलो क्या मुझे चाहिए बर ऑन स्क्रीन बोलो क्या तुम ही बोलो मासी तो बोल चाहिए लेकिन बोलेंगे नहीं कि कैसा बना है अच्छे से फिर पूछूंगी खाने के बाद कि कैसा बना है जेठू क्या बोले मुझे अभी जेठू हर एक बार बोलेंगे हाँ जलटा खे नाओ तारपर बोलो বলো মানে পুচা এবার ভালো করে বলো চিকেনটা কিরম হয়েছে বলো কিরম হয়েছে চিকেনটা খাবো হজম হবে ইজি হবে ডাইজেস্ট হয়ে যাবে তারপরে রিপোর্ট শুনিয়ে বাত শুনিয়ে মানে পুচা মানে চিকেন কেসা বানায় ও বলে রুক আবি তো পহলে খায়ে খায়েঙ্গে ফির হজম হোগা ইজি ডাইজেস্ট হুয়া তো মে বলুঙ্গা আচ্ছা হ্যায় কি বুরা হ্যায় বাপ রে মে হোটেল মে খানে যাওঙ্গি আগর শেফ আকে পুছেঙ্গে হাউ ইজ ইট ম্যাম মে বলুঙ্গি আগর ডাইজেস্ট হুয়া তো মে বলুঙ্গি আচ্ছা বানা হ্যায় মেরে জেঠু না ইনকো বাদ ভি কাহাঁ কাহাঁ সে মিলতা হ্যায় পতা নি ক্যা সোচতে রহতে হ্যায় गुड इवनिंग दोपहर को चिकन सबने बहुत अच्छे से खाया मुझे तो बहुत अच्छा लगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फ़र्स्ट टाइम बना के इतना अच्छा मैं बना लूँगी जेठू ने भी बहुत तारीफ़ किया ऐसे ऑन स्क्रीन मैंने करने को बोला नहीं किया अलग से शाम को आकर बोलते हैं चिकन तो भालो भाई जी लो ये बोल के मुझे उठाए नींद से जगाया मैं थोड़ा सो गई थी और अभी इवनिंग टाइम है तो भूख लग गई है तो मैगी बना के लाई हूँ मैगी खाऊँगी तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स आज का दिन फुल ऑफ एक्टिविटीज़ था मेरे लिए
तो आज थोड़ा टायर्ड भी हूँ मैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। स्टे हैप्पी स्टे प्रिटी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।